हाँ प्लीज मेरे लिए एक बोतल में जेली बनाओ। ओके। क्यों नहीं। ओह यह पहली बार मैंने यह देखा है। बढ़िया। चलो देखिए मेरे पास क्या है। कोला जो हमें चाहिए। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। बस कोला पी लिया थोड़ा सा। सही में ये अच्छा है ना। मुझे कोला बहुत पसंद है। कूल। ओ, ओ, अरे अब क्या होने वाला है। ओ नहीं नहीं नहीं। ओ, 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 मुझे बचाओ। मुझे खेद है मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब स्किटल्स डालने का समय है। मुझे लगता है कि बच्चा वास्तव में इसे पसंद करेगी। वाह मेरे पास अभी भी मैपल सिरप है। मैं इसे भी इसमें डालूंगी और मीठा बेहतर। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और बोतल को हिलाते हैं। हाँ और उफ यह ढक्कन जस्ट अटक गया है सिरप की वजह से। आ मदद करो। उफ खुल जाओ। ओ नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक है पर लेकिन ये अभी भी चिपका हुआ। अरे नहीं ये ठीक है मेरा हाथ आजाद हो गया। ओह बेचारा मैनिक्योर। कुछ नहीं मुख्य बात बच्चे को खिलाना है। मैं फ्रिजिंग स्प्रे के साथ कोला से जेली बनाऊंगी। चलो देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओह दादी क्या तुम सो गई। हम एक चुनौती में हैं। देखो मैं क्या अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरी राय में यह बहुत ज्यादा है। जैम या शहद लेना आसान है। मैं शहद लूंगी। बेबी मैं पहले से ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। चलो ओह मैं इस प्यारी को फ्रीज कर दूंगी और बस। केवल शहद। चलो देखो मैं क्या करती हूँ। मैं कोला लेती हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ। शेफ भी ट्रिक्स करना जानता है। और मैं एक फ्राइंग पैन में कोला डालूंगी और गमी बेयर भी इसमें डालूंगी। और जेली बनाने के लिए हमें इसमें जेलेटिन चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास हमेशा रहता है। अब इसे केवल मिक्स करने और बोतल में वापस डालना बाकी है। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। जेली लगभग तैयार है। हाँ ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओके। हाँ वाह देखो बोतल में ये कितनी अच्छी तरह से जा रहा है। बोतल भर गई और ये लगभग तैयार है। बहुत बढ़िया मैं बहुत खुश हूँ। अब बस इसे जमाना है। हाँ चलो देखो इस तरह से मैं इसे जमाती हूँ। सुपर फ्रीज। बस एक सेकंड और यह तैयार है। एकदम फ्रेश आसान और धन्यवाद। चलो आप ट्राई करो। ओह ठीक है मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह अभी तैयार। ओह मेरी हथेलियाँ जम रही हैं। ओह नहीं यह कितना ठंडा है। क्या करूँ मैं अपने हाथों को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी हवा देती हूँ शायद वे गर्म हो जाए। ओह यह काम किया भगवान का शुक्र है। दादी ठीक है। बेबी जेली ले लो। वाह एक ही बार में तीन। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। ओह कितना प्यारा है। यह तो है मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह थोड़ा हनी। वाह मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह जमा हुआ शहद यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वाह मेरा फेवरेट कोला। अंदर क्या है दिलचस्प। मैं इसे खुशी के साथ ट्राई करूंगी। ओह जेली मुश्किल से निकल रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ धन्यवाद शेफ। और क्या बचा है। ओह मेरी बहन की जेली। वाह मैं इसमें कैंडी देख रही हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। वाह यह कितना खूबसूरत है। वाह सुपर यह सबसे अच्छी जेली है जिसे मैंने कभी खाया है। और निश्चित रूप से बहन जीत रही है। धन्यवाद बहन। ऐसा कैसे। शाबाश मेरी बच्ची। अगला डिश वॉफल है। बढ़िया ऑप्शन है। क्या समझ गई। मैं उन्हें बनाना नहीं जानती। खैर ठीक है। वॉफल के लिए डो बनाने के लिए आटा अंडे और बटर लेना होगा। और अब मैं चीनी और इसमें दूध मिला देती हूँ। हाँ यह बढ़िया है। मेरा विस्क कहाँ है। हाँ यहाँ है। अब दादी दिखाएगी अपना कमाल। मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ। मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। वाह ठीक है दादी।
क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अब यह देखिए। क्या मिक्सर से मिलाना आसान नहीं है? अपनी ताकत को बचाना और कल्पना दिखाना बेहतर है। मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। मैं इसके लिए रंगीन वॉफल बनाऊंगी। वह डो लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा। हाँ खैर, तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ। और जीत मेरी होगी। दादी और शेफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। चॉकलेट पेस्ट सभी को पसंद होता है। चलो वॉफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है। एकदम आसान था। ओह, बहुत गर्म लेकिन बहुत आसान। और लगता है स्वादिष्ट भी है। चलो इसे खा कर देखते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही थी, यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं रुक नहीं सकती। ओह, पर यह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता है। चलो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से मत खा जाना। अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जीत मेरी होगी। कर लो बात, मेरा वफल बहुत सुंदर है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती। चलो फाइट करते हैं। ओह, यह वफल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती मेरी बहन। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाऊंगी। क्या हम वास्तव में एक चुनौती में हैं? तो क्या हुआ? मैं फिर से बना लूंगी। क्या? ओह, क्या मैंने सब बना लिया? अरे नहीं, सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ होगा। यह तीखे नूडल्स का एक पैकेट। मैं इसे एक वॉफल बनाऊंगी। बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंतजार करना होगा। नूडल्स तैयार है, बाकी काम वॉफल करेगा। तब तक मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो, इसे खोला, इसमें नूडल्स डाला और बंद कर दिया। और तब तक मैं इसे और खा लेती हूँ। ओह, कितनी भूखर है। मेरा आइडियल वॉफल तैयार है। ये बहुत अच्छा बनना है। मैं इसे दो भागों में काट दूंगी। रेनबो की तरह लगेगा। और मैं क्रीम से बादल बनाऊंगी। वाह, मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊंगी। यह जीतने के रास्ते पर है। यह वास्तव में बहुत सुंदर बना है। दादी की सफलता का अपना रहस्य है। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और पाउडर। बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा, मुझे यकीन है। वाह, जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। दिलचस्प, दादी बहुत अच्छी है, पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। ऐसे वफल के साथ क्या होगा? मैं इसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी। शायद मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। क्या सब ठीक तो है ना? तुम पूरी गंदी हो गई है, तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाटूंगी। हाँ, ये कितना स्वादिष्ट पाउडर है। उफ, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, हम ठीक है। उफ, शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। ओह, यहाँ बहुत सारी चीज है, पर यह क्या है? मैं इसे ट्राई करती हूँ पहले। बिल्कुल अलग सा है। ओह, अरे बाप रे, यह तो भयानक है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? उफ, वाह, रेनबो वफल, स्वादिष्ट और ये बहुत खूबसूरत भी है। कूल, मुझे यह पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत, धन्यवाद। वाओ, आइसक्रीम वफल सही कॉम्बिनेशन है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओ भगवान, यह कितना स्वादिष्ट है। इसके स्वाद के तो कहने ही क्या। ओ, मुझे और चाहिए। दादी, आप जीत गई। एकदम सही, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई।
मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए, उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो, और मैं अपनी डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउथी डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है, और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। ओ वाह, इतने सारे डिशेस! मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे यह हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, यह इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी यह अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया। जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा, और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि यह स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ। और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नैचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। यह इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी। बस
हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए, यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से दो टुकड़ों में काटा है, मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू के कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा, अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपिटी बॉबी, जल्दी से चखकर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ, बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई, ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया, यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा है मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है, अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सबको समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में यह फाइनल टच, बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। यह एक सीक्रेट है, अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ, एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को यह पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चखकर बताओ। वाह, खुशी के साथ, कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष, इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है, और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी, ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ केक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है, मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है, यह मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन, दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी, इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है, मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इसे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी, तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है। नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम।
मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई, मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे पाप करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह, और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ये और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी, उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींच कर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है, ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना यह शानदार आइडिया। हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वफल मेरा सिग्नेचर डिश है
और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है, आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है, मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा, मुझे सबसे अच्छा वफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वफल तैयार है, अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो इसे यहाँ डाला, चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए है। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश, लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम, अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो, कहाँ है? ओह यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ, मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यह मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है।
अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा बस। और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किट किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्किटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्किटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच, ओ नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है, दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस। लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? एक दो और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा,
लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी, धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है, ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी, कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है, अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो, मैं बैकन भी डालूंगी, बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस, इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा। ओह वाह, ये साइज देखो, एक 3-स्टोरी बर्गर, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूट्रेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है, मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए, और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है, देखती हूँ। हाँ बढ़िया, अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, यह कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है, यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा, मैं जीत गई। ये
क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे ये खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं ये बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए, इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा, यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भर कर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो ये लगभग तैयार है। हाँ मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वह क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी, फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी, बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर यह लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है, मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरिमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं, और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी। और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा, देखो यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ यह ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है, अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या क्या बस हो गया? देखो बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं, और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है।
ये पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है, मुझे ये पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है, इसके लिए मुझे कोरियाई पररो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है, तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो, लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब, ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन स्वादिष्ट है। ओके। और अब पोरोरो नूडल्स का समय है, चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना, ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है, मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं, शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा, मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी, इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। ये मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा, इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ यह बहुत अच्छा है, अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है, ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह। ओके। और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? ये भी अच्छा लगेगा, एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है, इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला, आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है, उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है।
अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, ये हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं, मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नैचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नैचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नैचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नैचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस एक सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वे इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नैचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी, मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ?
चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है, बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं, क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है, अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है, घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। हुरे, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान, हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है, फिर मैं दूर डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ, और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है, केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार, हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी, हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है। और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी, ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है
और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा कैचअप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह ओ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था। ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूट्रेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बैरिस पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है। बढ़िया, लेकिन दादी जीत गई।